रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक हैं, मज़े में हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, इट वॉज फॉर रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। और ये वाला लेक्चर जो है, ये मैं कंटिन्यूटी पे भेज रही हूँ जो मैंने पिछले लेक्चर्स आप लोगों को दिए थे उस पर। तो इस लेक्चर के अंदर जो मैं चीज़ें डिस्कस करूँगी अगेन, जो हम लोगों ने पीछे लेक्चर्स आप लोगों ने सुने हैं, उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी पे है ये। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके सामने लिखा हुआ भी है कि आपने जो चेन को नंबरिंग देनी है आपने वो, अच्छा सबसे पहला रूल क्या है आपके पास कि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जो आपके पास चेन आ रही है उसमें। फिर आपने जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली तो इसके अंदर फिर आपने नंबरिंग देनी है उस चेन को। ये याद रखिएगा कि अल्काइल रेडिकल्स कभी भी फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे नहीं होंगे। अल्काइल रेडिकल्स जिन्हें आप ब्रांच कहेंगे, उनकी जो आपने नंबरिंग करनी है, जो नेमिंग करनी है, वो आपने उनको काउंट करना है वो सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन से स्टार्ट, मतलब उनको काउंट करना है, वहाँ तक वो ब्रांचेस होंगी। अदरवाइज अगर आपका अल्काइल रेडिकल फर्स्ट और लास्ट पे आता है तो वो चेन का हिस्सा होगा, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर आपके पास ये है कि आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है देना चेन को। नंबरिंग कहाँ से देनी है? नंबरिंग आपने देनी है उस साइड से जिस साइड से अल्काइल रेडिकल आपका करीब होगा, वहाँ से। अल्काइल रेडिकल जैसे कि अभी आपके सामने आ रहा है, नज़र आप लोगों को आ रहा है, इट इज़ टू मिथाइल इट इज़ पेंटेन। आपने राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की, नंबरिंग आपके सामने मैंशन है 1, 2, 3, 4, 5, और आपने इसको नाम दे देना है इट इज़ टू मिथाइल। पाँच कार्बन की चेन है, सेकेंड कार्बन पे आपके पास अल्काइल रेडिकल था, इट इज़ मिथाइल, तो इट इज़ टू मिथाइल पेंटेन। इसके अलावा अगर सपोज करें हमारे पास दो अल्काइल रेडिकल्स होते सेकेंड कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर दोनों होते, दो मिथाइल रेडिकल्स होते, तो हम इस चेन को नाम देते टू टू डाई मिथाइल पेंटेन। अगर हमारे पास एक और रेडिकल थर्ड कार्बन पे होता, मिथाइल रेडिकल एक सेकंड एक थर्ड पे होता, तो हम इसको कहते 2,3-डायमिथाइल पेंटेन। इस तरह से करके हम इसको नेमिंग देते। अब हमारे पास क्या है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स आई हुई हैं इसके अंदर, नेक्स्ट स्लाइड पर आपके सामने सारी डिफरेंट एग्जांपल्स आ रही हैं। पहली एग्जांपल अगर आप देखते हैं जिसका नाम है 4-ethyl-2-methyl-hexane, इसके अंदर अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल जो है उसके अंदर आपके पास लेफ्ट साइड से अगर आप देखते हैं तो अल्काइल रेडिकल आपके पास जो मिथाइल रेडिकल है वो सेकेंड कार्बन पर है। इसको मैं इंसर्कल आपको करके दिखा दूँगी, तो जब आप देखेंगे तो आपको इंसर्कल्ड फॉर्म में ये लगेगा, नज़र आएगा। सो ये जो हमारे पास अल्काइल रेडिकल है ये हमारा सेकंड कार्बन पर है, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। हमने वैसे भी प्रेफरेंस अपने उसको देनी होती है जो छोटा रेडिकल होता है, अगर दोनों सेम, दोनों साइड से सेम पर होते तो हम इसको नंबरिंग जो है वो देते, मिथाइल को ही देते। लेकिन यहाँ पर आपने इस मिथाइल को जिसको मैंने इनसर्कल किया, आपने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, इस साइड से नंबरिंग देनी है। तो हम लोगों ने इसको नंबरिंग कैसे देनी है मैं आपके सामने करते हुए दिखा रही हूँ। एक वन इट इज़, हाँ जी, इट इज़ पहले आपके पास मिथाइल रेडिकल जो है इट इज़ वन, उसके बाद आपने कर देना है उसको साथ वाला टू, और ये आपने इसको टू का नाम दे दिया। उसके बाद आपने लेफ़्ट से राइट की साइड पे जाना है इंग्लिश की साइड से, और आपने इसको अगर आप कार्बन काउंट करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास सिक्स कार्बन हैं। आपके पास जो अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हैं एक सेकेंड कार्बन पर है, और एक अल्काइल रेडिकल आपके पास मौजूद है दिस इज प्रेजेंट एट फोर्थ कार्बन। सो आपने इसको लिखने में कैसे करना है, आपने दोनों अल्काइल रेडिकल्स को इनसर्कल कर लिया, इनसर्कल करने के बाद आपने इसको क्या कहना है, आपने लिखना अल्फ़ाबेटिकली है। लाइक आपके पास अल्काइल, एक अल्काइल रेडिकल सेकंड कार्बन पर मौजूद है, एक अल्काइल रेडिकल आपके पास फोर्थ कार्बन पर मौजूद है, आपने पहले नाम देना है इथाइल को जो फोर्थ कार्बन वाला है, आपने उसको कहना है 4-ethyl, फिर आपने आना है 2-methyl। ये क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, पहले मिथाइल को क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज ये आपके पास रूल है कि आपने पहले अल्फ़ाबेटिकली चलना होता है, आपने पहले इथाइल को लिखना है फिर आपने मिथाइल को लिखना है। तो आपने